गुड मॉर्निंग गाइस, न्यू डे ओल्ड मी विद अ न्यू माइंडसेट। तो बेसिकली अभी 24 घंटे हो चुके हैं, मैंने नींद नहीं ली अपनी, और अभी 24 घंटे हो चुके हैं, 17 घंटे बाकी हैं ना बिना नींद के, क्योंकि आई हैव अ फियर ऑफ नॉट वेकिंग अप। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे मैं अपना वर्कआउट रूटीन वर्कआउट शेड्यूल चेंज करता हूँ, तो मैं एक रीसेट डे सेट करता हूँ अपने लिए, और इस रीसेट डे में मैं 41 आवर्स विदाउट स्लीप जाता हूँ। अब मैं जैसे कि लास्ट सोया था मंडे 12 से 5 सुबह के, अब नेक्स्ट सोऊंगा मैं वेडनेसडे के 12 से 5, तो बीच में जो टाइम स्पैन है इसको बोलेंगे रीसेट डे। और ये रीसेट डे बेसिकली मेरा स्केड्यूल ठीक करने के लिए होता है। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ और हेल्थ बॉडी एंड माइंड, बट मेरे लिए काम करता है तो इट्स वेल एंड गुड। तो अभी बेसिकली आज का जो वर्कआउट रहेगा काफ़ी लाइट रहेगा। सुबह सुबह 5 बज रहा है, अभी एक घंटा पहले साइकिलिंग करके जाऊंगा 12 किलोमीटर, फिर वहां जाके ट्रेनिंग, और लाइट रहेगा मींस 4 घंटे वर्कआउट रहेगा, 2 घंटे अभी 2 घंटे दिन में, एंड एक आध घंटा मैं भी शायद घर पे कर लूँ थोड़ा कंडीशनिंग। तो ये रहेगा रूटीन आज का बेसिकली, और डाइट का भी दिखाऊंगा वो नेक्स्ट वीडियो में साथ साथ में। तो अभी चलते हैं सीधा जिम पहुंचते हैं और लेट्स ट्रेन। तो बॉक्सिंग का है लाइट लाइट, कोई वेट ट्रेनिंग नहीं, बस मूवमेंट। अभी फिलहाल डक एंड मूविंग फॉरवर्ड, जैसे डक मूविंग फॉरवर्ड, डक 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 डक, ये आई साइड सामने ये परफॉर्म करना है 2-3 इसके, जैसे ही हैबिचुअल हो जाएगा थोड़ा सा, फिर इसके बाद ये पंचेस, जिस साइड में आए उसी साइड के शोल्डर से पंच खोला। अब जैसे ये भी हैबिचुअल हो जाएगा ये थोड़ी देर करने के बाद, फिर ये करके स्विच, हाँ ये हो गई थर्ड ड्रिल होगी। यहां से आके ऑपोजिट थर्ड ड्रिल, फोर्थ ड्रिल होगी यहां से आके ओवरहैंड। फिर इसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करते जाते हैं, फिर ये क्रॉस में, ये पूरा रिंग समझना है इसको, और हर जगह। अभी फिलहाल हैबिचुअल नहीं हुआ चारों तरफ के लिए, इसलिए थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लग रहा मूवमेंट, बट करते जाएंगे तो आता जाएगा। ये 4-5 ड्रिल लिए, ये परफॉर्म करने के बाद आगे चलेंगे। लास्ट सेट है और फुल सोर हो गए मेरी चेस्ट और शोल्डर भी, सपोर्ट के साथ करना पड़ेगा, बट नो वरीज, करते जल्दी से। ये मूवमेंट जो है काफ़ी न्यू है मेरी बॉडी के लिए, इसलिए हैबिचुअल होने में काफ़ी टाइम लग रहा है। तो बेसिकली वेस्ट लेवल से मारना है इसको, तो इसलिए वेट भी कम है, 4 किलो है, और ट्विस्ट ये ट्विस्ट टाइम लगेगा अभी इसमें, बाकी जो एज यूजुअल मूवमेंट्स हैं ये तो चलता ही है। आज का वर्कआउट इतना ही था, आगे कर नहीं पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जॉशन हो गई है। तो कल मिलते हैं एंड गुड नाइट गाइज़।